स टेस्ट है इन ईच टेस्ट थर्टी क्वांट थर्टी रीजनिंग बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए इन क्वेश्चन को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना बनता है एंड यू कैन चेक इट बाई यूर सेल्फ वॉजबॉल जो भी मैंने आपको बातें बताई वाई बिकॉज सी एट द प्राइज सिर्फ ढाई सौ रुपए भी नहीं टू फोर्टी नाइन रुपीज के अंदर आपको पूरी पूरी टेस्ट सीरीज अवेल कराई जा रही है बिकॉज अभी अबीपीडिया प्राइस शुड नॉट बी हिंड्रेस इन योर प्रिपरेशन दैट इज द रीजन वी केम बी हम इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव इतने अफोर्डेबल प्राइजेस पे आपके लिए लेके आते रहते हैं जितनी जल्दी हो सके स्टेटीज के अंदर अवेल कीजिए एनरोल कीजिए एंड टेन देन योर प्रिपरेशन बिकॉज एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर ऑल राइट टाइम वेस्ट करना बनता नहीं है एंड वन मोर थिंग इज द व्हाट्सएप ग्रुप इस दिस व्हाट्सएप ग्रुप इज एब्सोल्यूटली फ्री इसका लिंक नीचे बायो के अंदर है यहाँ पर आप इस लिंक के थ्रू इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज uh, है रिगार्डिंग द एग्जाम रिगार्डिंग द आवर कोर्सेज कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क अस इन दिस ग्रुप

ऑप्शन है आपके ए केलकर कमेटी बी देसाई कमेटी सी तेंदुलकर कमेटी या डी लाकड़ा वाला कमेटी राइट right? सारी की सारी वैसे पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन से रिलेटेड ही कमिटीज है बट किस कमेटी की रिकमेंडेशन जो प्रेजेंट पॉवर्टी लाइन है उसको फॉलो करने के लिए किस कमेटी की रिकमेंडेशन को फॉलो किया जा रहा है करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी लाकड़ा वाला कमेटी और राइट ये याद रखेंगे कि प्रेजेंट जो हमारी पॉवर्टी लाइन है वो इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे फॉर्म करी गई है नेक्स्ट

जो 1975 इमरजेंसी लगी थी उसके कॉजेज फाइंड करने के लिए भी क्या ऐसी कंडीशन आ गई थी कि इमरजेंसी लगानी पड़ेगी तो विच वॉज द्वेश्चन डी नबार्ड वॉज एस्टैब्लिशेशन ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी काउंटेड इन इकोनॉमी एज वेल बट जीएस के अंदर आपके सामने सेक्शन वाइज नहीं आएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो द रीजन मैं इसको इसके अंदर इं, इंक्लूड किया है नबार्ड वॉज एस्टेब्लिशेशन ऑफ ऑप्शन कमेटी शिवरमन कमेटी के ऊपर नबार्ड को फाइनली एस्टैब्लिश किया गया था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसीट द रिकमेंडेशन ऑफ सीबीसी को किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे फॉर्म किया गया था ऑप्शन है आपके फर्स्ट ए आर सी कमीटी, कमीटी, या फिर संथनम रिपोर्ट, को किस रिकमेंडेशन में फॉर्म किया गया था संथनम कमिटी की रिपोर्ट के के ऊपर फॉर्म किया गया था वेरी इंपॉर्टेंट डू रिमेंबर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ दमिटी फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारे पार्ट फोर ए के अंदर इंक्लूड करी गई है ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर फॉर्म करी गई है ऑप्शन हैं आपके शाह कमीशन फर्स्ट एआरसी संथनम कमेटी या फिर स्वर्ण सिंह कमेटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले भी हमने देखा हुआ है द करेक्ट आंसर फॉर दिस कमेटी इज स्वर्ण सिंह कमेटी स्वर्ण सिंह कमेटी के बेसिस के रिकमेंडेशन के ऊपर ही फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया था थ्रू विच अमेंडमेंट यह आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे किस अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल फॉर शेड्यूल कास्ट एनसीएसूटिकल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल के थ्रू किया गया थर्टी आर्टिकल नाइन आर्टिकल आर्टिकल या फिर आर्टिकल थ्री फोर्टी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 338, आर्टिकल अमेंडमेंट के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड किया गया एक आर्टिकल थ्री थर्टी और थ्री थर्टी एट ए और थ्री थर्टी एट किस डेडिकेट किया था एनसीएससी को और थ्री थर्टी एट किसके लिए था एनसीएसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और इन 100 सेकंड अमेंडमेंट ऑफ 2018 इसके थ्रू क्या करा गया था एक आर्टिकल 338 बी इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया और इस किसके लिए एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो 338 A, 338 ए एंड 338 बी एनसीएससी एनसीएसटी एंड एनसीबीसी ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच कमीशन हैज एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशंस इसमें से कौन सी कमीशन जो है वो सेंटर सेट रिलेशन के ऊपर लिए बनाई गई थी ऑप्शन हैं आपके ए सरकारिया कमीशन बी श्री कृष्ण कमीशन डी मुडलियार कमीशन ऑप्शन uh, फोर्थ हेयर कमीशन या फिर इनमें से कोई भी नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंटर सेट रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट रिलेटेड कौन सी कमीशन है इनमें से तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सरकारिया कमीशन सरकारिया कमीशन बहुत जगह देखेंगे आप सरकारिया कमीशन ने किस ऊपर रिकमेंडेशन दी है सेंट्र सेट रिलेशन ऑल राइट

रामा रिव्यू कमेटी या फिर राधा कृष्ण कमीशन एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कोठारी कोठारी कमेटी कमेटी सो पहली हमारी नेशनल पॉलिसी किस पे बनी है के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन द द द चेयरमैन ऑफ ऑफ पब्लिक कमेटी पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय पी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है ऑप्शन है आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए लोकसभा के जो स्पीकर है स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी अब हम थोड़ा सा पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में भी देखते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 के अंदर पहली बार फॉर्म करी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ 19 नाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट राइट जिसको मौन्ते, रिफॉर्म से बोला जाता है बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए वो ये है कि पी को मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है वाई बिकॉज इसके अंदर मेंबर्स कंस्टिट्यूट होते हैं और में से पंद्रह जो है आपके लोकसभा से होते हैं सेवन मेंबर्स आर फ्रॉम राज्यसभा तो दोनों के अंदर रिप्रेजेंटेशन है दैट इज द रीजन इसको क्या बोला जाता है मिनी पार्लियामेंट मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी को और इसके जो तो चेयरमैन है उसको so, कौन अपॉइंट करते हैं लोकसभा का स्पीकर चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं लोकसभा के स्पीकर तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टूडे रिगार्डिंग पॉलिटी एंड विद दिस आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम ओके वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर सो टिलन टेक केयर बाय बाय